the internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again so आइए बात करते हैं कि अगर कोई कोरोना पेशेंट है कोविड पॉजिटिव है अव्वल तो उसका ख्याल कैसे रखना है अव्वल दूसरी के कैसे पता करें कि ऑब्वियस बात है जब भी बीमारी होगी पहले बीमारी माइल्ड केस से ही शुरू होगी पहले जो बीमारी होगी माइल्ड ही होगी हर एक को होगी पहले दिन से एकदम सिवियर नहीं होता दूसरे तीसरे दिन कभी कभी पांचवें छठे दिन बीमारी बढ़नी शुरू होती है कुछ केसेस में और ज़्यादातर केसेस यंग एज मिडिल एज मिडिल एज ग्रुप में 80-90 परसेंट में कोई मेजर सिम्टम नहीं आता बराबर ठीक हो जाता अगर कोई पेशेंट रिस्क फैक्टर वाला है उसको ऑलरेडी पुरानी बीमारी है ओल्ड एज है या पुरानी कोई सीरियस बीमारी दवाइयां चलती हैं तो उनके केस में मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है सो so, कैसे बताएं हाउ टू सीवियरिटी ऑफ अ कोविड पॉजिटिव पेशेंट घर में आपको सिवियरिटी असेस करने के लिए मॉनिटरिंग करनी होगी उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है एक डायरी एक चार्ट बना लेना और एक डॉक्टर से रेगुलर कॉन्टेक्ट में रहना याद रखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से रेगुलर कॉन्टैक्ट में रहना जिसको कोरोना कोविड के बारे में जानकारी हो ट्रीटमेंट के लिए जानकारी हो और वो आ, आपको गाइड कर सके कि भाई आपको आगे क्या करना है सबसे पहला डॉक्टर से बात कर लें प्राइमरी ट्रीटमेंट अपना शुरू करें प्राइमरी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट आपको शुरू कर दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन आपकी एज आपका सेक्स आपकी उम्र आपका रिस्क फैक्टर आपकी प्रीवियस बीमारी अगर आप 40, चालीस पैंतालीस पचास साठ पचास साल के नीचे हो ये अलग अलग डॉक्टरों का अलग अलग ओपिनियन होता है कोई 40 के नीचे कोई दवाई नहीं देता सिर्फ वाइटामस देंगे कुछ नहीं करना है रिलैक्स रहो घर का खाना खाओ आराम करो पानी पियो ठीक हो जाओ कोई पचास के नीचे कोई साठ के नीचे मैं मेरे हिसाब से मैं पूरे पेशेंट का असेसमेंट कर लेते हैं कुछ चीज़ें तो पक्का हम बोली देते हैं कि आपको ये मॉनिटर करनी करनी है नंबर एक आपको अपना दिल की धड़कन हार्ट रेट मॉनिटर करना है नंबर दो आपको अपना टेम्परेचर मॉनिटर करना है कि आप अगर अगर फीवर लग रहा है बुखार आ रहा है तो बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर करें बॉडी टेम्परेचर हार्ट रेट ब्लड प्रेशर रेस्पिरेटरी रेट सांस का रेट सांस का रेट का मतलब होता है जब आप आराम से बैठे हैं तो आप एक मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं वो दूसरा पर्सन बता सकता है आप नहीं आप अगर ध्यान दोगे तो आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर लोगे सो आपको नहीं जो दूसरा पर्सन है वो बताएगा कि हाँ मेरे मैंने देखा तुम्हें तुम्हारा ध्यान नहीं था तुम एक मिनट में इतनी बार सांस ले रहे हो ठीक है वो रेस्पिरेटरी रेट हो जाए अब उसके लिए हॉस्पिटलों में हमारे पास मोनिटर होते हैं जो चेस्ट में इधर उधर लगाते हैं आपके घर में आप एक सेचुरेशन प्रोब ले सकते हैं जैसे जैसेचुरेशन प्रोब हमने पहले भी दिखाया पल्स ऑक्सीमीटर जिसमें आपको पल्स रेट और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मॉनिटर ऑक्सीजन पता चल जाएगा ये ऑलरेडी आपको पता है अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं कि आपको ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करना है आपको पल्स रेट ब्लड प्रेशर रेस्पिरेटरी रेट ये सब मॉनिटर करना है इसके अलावा आप साइंस देख सकते हैं लिटरली सिम्टम भी मॉनिटर कर सकते हैं कि आज सिर बुखार है कल गला खराब हुआ गला थोड़ा ज़्यादा ख़राब हुआ बुखार थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है डॉक्टर ने कहा चलने दो फिर अब अब आप अब, अब, अब सांस भी भूलने लगा डॉक्टर ने कहा चलने दो अब सैचुरेशन कम हो रहा है डॉक्टर ने कहा भर्ती करो समझ रहे हो सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स प्रोग्रेस सो डॉक्टर भी अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि नाउ इज द टाइम ये आ गया वक्त आ गया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा भर्ती करना बिकॉज ये बात याद रखिए ऑलरेडी आपके अंदर कोरोना है आप ऑलरेडी कोरोना के साथ लड़ रहे हैं और किसी भी प्रकार से आ, बाहर जाना अपने आप में एक रिस्क है कि आपके अंदर और वायरस आ सकता है वायरल लोड बढ़ सकता है घर से बाहर जाना भी रिस्क है नंबर दो अस्पताल जाना भी और ज़्यादा रिस्क है लेकिन अगर वायरस ही ज़्यादा बढ़ रहा है इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि अब आपको घर में घरेलू ट्रीटमेंट से काम नहीं चल रहा है तब अस्पताल में भर्ती करना चाहिए भर्ती करके फिर आपके ऊपर ऑक्सीजन ट्रीटमेंट फ्लूड रिससीटेशन ज़रूरत पड़े तो एंटी एंटीबायोटिक्स जो कवरेज चलती है सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए एंटी वायरल मेडिकेशन वो डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस बेसिस डॉक्टर चलाते हैं कई बार आपके केस में एंटीवायरल्स एंटीबायोटिक्स और कुछ सपोर्टिव मेडिकेशन सपोर्टिव में आपके वाइटामिन आ गए घरेलू नुस्खे आ गए तुलसी अश्वगंधा गिलोय नारियल पानी नींबू पानी फल फ्रूट सब आ गए ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट है ये ये आपको सपोर्ट देते हैं ये ट्रीट नहीं करती ट्रीट करती आपकी इम्यूनिटी आपकी खुद की बॉडी आपकी स्वर्म स्वयं इच्छा शक्ति निन्यानवे साल 90 साल 90 ईयर की भी माताजी ठीक हो गई थी इंडिया के अंदर वो कहती मुझे कभी लगा ही नहीं मुझे कुछ होगा तो इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए कि मुझे कुछ नहीं होगा खुद अगर बैठ के ये बोल दिया कि मैं तो गया तो भैया आपकी इम्यून सिस्टम थोड़ी बोलेगी नहीं नहीं ये गया बोल रहा है हम तो लड़ेंगे हम तो लड़ेंगे जब आपका खुद का मन जब हेडक्वाटर्स खाली हो जाता है तो लोग भाग जाते हैं तो हेडक्वाटर्स को सही रखिए अपना मनोबल बना के रखिए कि भैया आपको कुछ नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि क्या बोलते हैं सीना चौड़ी करके रोड पे घूमने लग जाओ नहीं बेवकूफ़ी और बहादुरी में फ़र्क होता है सेम वे हियर अपने डॉक्टर से बात करें अपने पैरामीटर्स को मॉनिटरिंग करें और डॉक्टर का ये काम है कि आपके समय पे समय पे टेस्ट कराते रहें इसमें जो टेस्ट आते हैं ऑब्वियसली बात है बेसिक पैरामीटर्स आपके होंगे आपका अगर आप घर पे भी हैं तो भी आप घर पे एक पर्सन को बुला के लैब वाले को बुला के वो टेस्ट कर सकता है आप अगर अस्पताल में हैं तब तो आपके रेगुलर बेसिस पे कभी कभार डेली भी टेस्ट होते हैं उसमें आपके सी बी कंप्लीट ब्लड काउंट आपका ई लेवल हाई सेंसिटिविटी सी आपका फेरेटिन सीरम फेरेटिन लेवल आपका डी डाइमर प्रो कैलसीटोनिन आई एल सिक्स इसके अलावा किडनी फंक्शन लिवर फंक्शन ये सब का टेस्ट होता है बेसिक अदर टेस्ट होते हैं यूरिन, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी बेसिक अगर एक ई होगा अगर ज़रूरत पड़ती है लगता है कि आपके हार्ट पे आपके ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है दिल की धड़कन ऊपर नीचे हो रही है तो इको कार्डियोग्राफी हो सकता है ये बात इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये केस टू केस है हर पेशेंट में हर टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है ये हमें सिवियरिटी असेस करने के लिए समझना होता है कि चलो एक पेशेंट है कोरोना वायरस पॉजिटिव है ठीक हो रहा है उसके ऊपर चाहे हम कोई टेस्ट ना करें एक पेशेंट है कोरोना वायरस पॉजिटिव है सिम्टम बढ़ते जा रहे हैं टेस्ट करना पड़ेगा इसमें जो मिनिमम टेस्ट है जिसके बढ़ते जा रहे हैं उसमें सीबीसी बी सी ई एस आर एच एस सी आर पी आई एल सिक्स सिरम फेरेटेन डी डाइमर लेवल प्रो कैल्सिटोनिन इतना तो करना ही करना है ए एल पी अल्कलाइन फॉस्फेटेस भी इंपॉर्टेंट आ जाता है इनिशियल स्टेजेस में सो so ये सारे टेस्टों से हमें क्या पता चलता है हमें ये पता चलता है कि पेशेंट की अंदरूनी शक्ति किस तरह से काम कर रही है फिर इन्हीं टेस्ट को कंपेयर किया जा सकता है मान लो कि हमारा आज का पहले का सी आर पी लेवल्स हमारे को ये है एक्सेट्रा है नौ है दस है और हम कुछ ट्रीटमेंट दे रहे हैं एंटीवायरल दे रहे हैं जिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं जो भी पैरासपोर्टिव मेडिकेशन है फ्लूइड्स हैं घर में चाहे ऑक्सीजन है घर में आपने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर ऑक्सीजन ले रखा है अब ये कल का स्टेट क्या है कल हमारे पास में क्या है आपके खुद का चार्ट है डायरी है जिसमें लिखा हुआ है कि आपका ब्लड प्रेशर हार्ट रेट पल्स रेट सब कुछ कैसा चल रहा है और हमारे पास में ये टेस्टिंग टेस्टिंग चीज़ है कि भाई फिर से टेस्ट करें आज का टेस्ट कल का टेस्ट परसों का टेस्ट या दो दिन बाद का एक बारी टेस्ट करके असेस करें कि ये एच एच सी आर पी लेवल्स कम हुए कि नहीं हुए कम हो रहे हैं तो ट्रीटमेंट काम कर रहा है ठीक हो रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं आई एल सिक्स बढ़ता जा रहा है दिक्कतें बढ़ती जा रही है प्रोकॉल्सिटोनिन बढ़ रहा है मतलब सेप्सिस हो रहा है अब बीमारी हाथ से निकल रही है अब घरेलू इलाज से घर में दी गई दवाएं एंटीवायरल मेडिकेशन से फाइवी पीवाविर से या फ्लूविर से एजिथ्रोमाइसिन से एच एस से काम नहीं चलेगा जो भी ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर को लगता है आपके लिए सही है हर एक केस में अलग अलग ट्रीटमेंट चूज़ किया जाता है दवाइयाँ मौजूद हैं जो वायरस को रोकती हैं वायरस के मल्टीप्लीकेशन को रोकती हैं लेकिन मारता आपका शरीर है फिर बता रहा हूं मारता आपका खुद का इम्यूनिटी है वायरस को रोकने की दवाइयां हैं कुछ इनिशियल स्टेज में काम ज्यादा करती है हमने ऑलरेडी फावी पीवावीर पे वीडियो बनाया है कुछ आपके लेटर स्टेजेस में एच जैसी दवाएं लेटर में दी जा सकती है कुछ के साइड इफेक्ट सीरियस हैं कुछ के साइड इफेक्ट माइल्ड हैं मगर हैं तो डिसीजन आपका डॉक्टर करेगा आपके आपके जो आपका सेनापति करेगा कि भाई कौन सी सेना आगे जाएगी लड़ने के लिए ताकि आपका नुकसान ना हो और हम जंग जीत जाए सो so, ये सेनापति आपको चुनना होगा डॉक्टर आपको चुनना होगा डॉक्टर आप चुन के रखिए ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है चूज योर डॉक्टर नो योर डॉक्टर बी इन कॉन्टेक्ट विथ योर डॉक्टर दिस इज वॉट विल सेव यू ज्यादातर लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी और जिनको जरूरत पड़ेगी उनको वो डॉक्टर बचा सकता है सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस मेन कॉन्सेप्ट हाइस हाउ टू असेस सिवियरिटी भर्ती भी हो जाते हैं तो भर्ती होने के बाद भी डॉक्टर पर भरोसा रखिए आईसीयू में आपका सारा मॉनिटरिंग होता है आपको स्टीरोड भी दिए जा सकते हैं जो कि उस स्टेज में बहुत काम के हैं उस स्टेज में तीन में से एक की जान बचा सकते हैं रिसर्च के साथ प्रूव है ना उस पर वीडियो बना चुके ज़रूरत हर पेशेंट को नहीं है लेगुलर स्टेज में नहीं दी जाती तो अपने दिमाग से खुद दवाइयाँ मत लीजिएगा ये गलती खुद मत करिएगा अपना सेनापति चुनिए अपना डॉक्टर चुनिए उसका साथ दीजिए और खुद मॉनिटरिंग करिए खुद चौकीदार बनिए खुद के अपने घर के अपने बच्चों के अपने कोरोना के बस इतना ही करना है डरने की कोई बात नहीं है एक एक स्ट्रैटर्जी अपनानी है यह स्ट्रैटर्जी अपनाएंगे तो ये जंग जीत जाएंगे सो सही लगी बात तो शेयर करिए वीडियो को जितना हो सके लोगों के पास पहुंचाइए और आपसे हम फिर मिलेंगे थैंक यू सो मच स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी